को मंडे है ने पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान। मेरी बात सुने सर, एक मैं आपको बात करता हूँ। डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर था कि वैसे तो उन्होंने बेशुमार जो इनके ऊपर जो है ना शेरों की जो है ना बड़ी बातें, आप बताओ शेर सुना दे। डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है कि सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदे में तो दुनिया बसा करती है। लोग कहते हैं कि फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता हो जैसे कर्ज लिया रब से। तेरे सजदे तुझे काफर ना बना दे इकबाल, तो झुकता कहीं और सोचता कहीं और। ये इनको जो है ना, ये जो यहाँ पे आए हैं ना, इनसे पूछ लें, इनको पूरी नमाज नहीं आती होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे खड़े हो गए इस तरह के जो है ना अल्फाज मैं सुन रहा हूँ इनके मुंह से, कि ये किस मुंह से यहूदी जंट इमरान खान को कहती हैं। जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं देखे ना कि मैं उसका सपोर्टर हूँ जिन्होंने नेशनल असम्बली में और इसके अलावा यूएनए में इमरान खान ने अक़वामे मुत्तहिदा में मेरे नबी का नाम जो है ना वो इतना रोशन और बुलंद किया कि अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका सपोर्टर हूँ, मुझे फ़ख्र है अपने कायद के ऊपर। आशीफ साहब बेहतर, हर बंदा जितनी उसने तकरीरें की है, आप ये बता दो उसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ाओ, अल्लाह का नाम ठीक है, अल्लाह का नाम बताओ, जो उल्टा हाथ रखना जायज है, उल्टा हाथ रखकर नमाज पढ़ना जायज है, मुझे ये बताएं। हाँ अभी तक किसने, आप जिसका दफा कर रही है मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी वालदा की डेड बॉडी टीसीएस इधर पाकिस्तान करवाई थी। शर्म से डूब मरो जिसका आप इस्तकबाल कर रहे हैं। आपके लीडर उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं ना, आपके लीडर उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आपका टक्कर उस बंदे से है जिसने अपनी माँ के नाम पे हॉस्पिटल बनाया। आप सपोर्ट उस बंदे को करते हो जिसने अपनी माँ को टीसीएस करवा दिया पाकिस्तान। ये है शऊर जो इमरान खान ने हमें दिया है, ये शऊर है रखना है। हमने खाना कुछ नहीं है, शऊर पास रखे। हमें ये रोड नहीं चाहिए, पेट भूखा है, रोटी चाहिए रोटी। ओ 15,000 बिल आ रहे हैं, 20,000 सैलरी है, क्या करें बताओ ना। ये तो जाहिल है, इनको समझाने से बेहतर बंदा हिंदू को समझा ले, काफर को समझा ले, ये इनको समझ नहीं आएगी। पाकिस्तान का हाल ये कर दिया लोगों ने, इन जाहिलों से पूछो, ये दूध सही दूध नहीं ले सकते, ये इंसाफ नहीं हासिल कर सकते किसी भी जगह पे जाके। ये इनके अंदर इतनी जाहिलियत कूट कूट के भर दी है। मैं इस भाई के ना एक बात का जवाब देना चाहता हूं, ये कौम बड़ी रूह में होती है। सुनो एक बात सुनो, इसी तरह इनका लीडर पागल है, ये भी पागल है। तो इंतजार बुला रहे हो ना, दूसरे को इंडिया का तो नहीं देख रहे हो, कोई मना करेगा तो हम बोलेंगे इंतजार बुला रहे बर्दाश्त करना चाहिए, हम किसी को बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसी यहाँ पे झगड़ा बनेगा, फालतू ये नवाजी कहते हैं आप बोलते हैं जन्नत मिलेगी, किससे जन्नत मिलेगी, जन्नत बताओ क्या कह रहे हो। ये तो वैसे बेस कर रहे हैं हमारे, नहीं ये इनको इजाजत मिलती है, हम लोगों को इजाजत किसलिए नहीं मिलती। झंडा को इंडिया का पकड़ा आपने, नहीं नहीं पीटीआई का, ये हमारा झंडा है यार, पीटीआई का झंडा है। वो कह रहे इंतिशार, मैंने पूछा वो इंतिशार किस बात का इंतिशार है, हर एक को मतलब फॉर एग्जांपल जो भी है पाकिस्तान में, हर एक को अपनी जीने का हक है, हर एक अपनी मर्जी से जी सकता है, कोई किसी की मर्जी से जी नहीं सकता। आप झंडा लेके जाने खतरा आगे, वो खतरे को अगर एक दिल में कोई मौत का मजा, मौत का जायका है कि नहीं चखने, अगर अभी मर गए तो क्या होगा, एक दिन तो मरने ही है ना, बिल्कुल एक दिन तो मरने क्या होगा, एक दिन मरने अभी मर गए तो क्या होगा, आज मर गए
साल बाद मार के दो दिन बाद अभी किसी को पता है हर एक मोहब्बत है हर एक की मोहब्बत है। अभी अभी मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे मैं सब नून लीग के झंडे लेके आए कसम से सारे लोग मुझे कहते हैं गंजर अलायक उसके बंदे सारे इमरान खान इमरान खान हर एक उसके बंदे इसके झंडे लेके भी कहते हैं गंजर चोर है। अब देखो ये खुश होंगे। रात को इधर मैच लगा हुआ था, मरियम नवाज आई तो जब वो क्या नाम चाचा ने छक्का मारा सब खुश हो गए। तुम्हारी नवाज के थे हमारे लिए खुश, वो तो छक्के के लिए खुश हुए थे कल। इमरान खान जिंदाबाद। मेरे नवाज के थे हमारे लिए खुश हुए। ये सारे लोग इमरान खान से मोहब्बत से होते हैं। जो भी नोली का झंडा है ना वो भी सारे कहते हैं गंजा चोर है। अब देखो वो कह रहे हैं कि इतनी आवाम ये इकट्ठी इमरान खान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जैसा हुआ अभी इजाजत मिल के तो देखो देखना अभी जैसा हुआ तो देखना अभी जब जैसा हुआ तो फिर देखना कैसी आवाम है। इंशाल्लाह अल्लाह के बिरयानी खाने जी बिरयानी खाने नहीं बिरयानी कैसे हम तो वैसे आ रहे थे हम तो वैसे ही आए हैं ना अपना झंडा लेके आए हैं। बिरयानी जो खाने आए हैं ना उनके हाथों में उनके झंडे भी हैं। आपने देखा भी है उनके झंडे हैं उनके हाथों में। वो जान कुर्बान है खान के लिए जान कुर्बान है। हमें डर नहीं लगता इधर पकड़ ले रहे हमें अभी हम नारा ही लगाएंगे चार साल कहाँ था ये किधर गया था अब क्यों आ रहे अरे खुशहाली के लिए आ रहा हूँ तावीज करके तो नहीं आ रहा है तावीज ये इमरान खान था वो भी तो छोड़ भाग सकता था वो दिलेर था वो इसीलिए खड़ा हुआ था। ये लोग अभी देखो ना कितने बम पटाखे फाड़े ये हमारे टैक्सों के पैसों से ये चोरी हुए पैसों से फाड़ ले ये इतनी फ्लैट इतनी फ्लैटें इतनी गाड़ियाँ एक के महीने के बाद 16-16 गाड़ियाँ 17-17 प्राडो ये कहाँ से आ रहा है पैसा ये अपनी जेब से। एक बोलता है कि मेरा परदादा मरियम नवाज कहते कि मेरा दादा बड़े अमीर थे और शहबाज शरीफ आगे बोलते हैं मेरा दादा एक किसानदार आदमी था किसान वाला आदमी था। तो ये क्या एक चाचा बोलता है कुछ और बेटी बोलती है कुछ और ये कौन सा सीन है ये पाकिस्तान था कौन सा कौन बचाएगा पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान इमरान खान ये नून लीग का दो हो रहा है इमरान खान ने कोरोना चलो आप बताओ ये चार साल से क्यों बैठे कौन सा ये बीमार थे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में भाग गया इमरान खान इधर आए नवाज शरीफ चोरी करके भाग गया था असल 140 रुपए लीटर था 300 हो गया जेल में है वो भी अडियाला जेल में है 140 रुपए था जब इमरान खान की हुकूमत 300 के ऊपर से चला गया। लोगों को कह दो जेबा का भी ख्याल करे छोटे छोटे नवाज शरीफ को मंडे ने।